हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फाइनली सीजन 39 एंड हो चुका है एंड सीजन 40 आ चुका है। अब मैं आप सभी को पहले ही बता दूं, मैं इस वाले सीजन में सीजन 40 में यहां पे सोलो विंस में टॉप वन करने वाला हूं, ओनली सोलो में रैंक पुशिंग करने वाला हूं। पिछले सीजन में हमने यहाँ पे देखो मास्टर का 5 स्टार कंप्लीट करा था। अब सीजन 40 में मैंने टारगेट लेके रखा है कि मैं 30,000 से ज्यादा स्कोर करने वाला हूँ। उसके साथ साथ हम लोग सोलो बेंस में 1,000 से ज्यादा बुलिया करने वाले हैं। तो चलो यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे डायमंड 3 पे उतारा सीजन 40 में। बाकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कमेंट में बताओ कि आपकी रैंक ड्रॉप होके कहाँ पे गिरी हुई है। और हाँ, सही सही बताना, झूठ मत बोलना। आप लोग कमेंट में बहुत ज्यादा झूठ बोलते हो, तो यहाँ पे जल्दी से कमेंट में बताना आपकी रैंक कहाँ पे ड्रॉप हुई है। एंड चलो बाकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार कैरेक्टर स्किल पे नजर मार सकते हो। हमने नायरी, लिक्विडा, एल्वारो, आयरिस और यहाँ पे पैट में बंदर वाला पैट रखा है। अब देखो पहले मैच के अंदर मेरे 2 किल हो चुके थे। ये सीजन 40 का मेरा पहला मैच था और यहाँ पे सामने एक ही बंदा लाइव था। अब इसको मैं कैसे मारूंगा, यहाँ पे देखो नेट फेंक रहा था ये बंदा, तो मैं यहाँ से गाड़ी उठा के ना भाग आता हूँ। ओके, बंदा मेरी कार को तोड़ रहा है, आगे चलते हैं गाइस। अपन इसको टक्कर मार दें एंड ओके, टक्कर लग चुकी है। यहाँ पे हम उतरेंगे नहीं, शॉर्ट रेंज में फाइट नहीं करेंगे। इसके पास 2 गोली वाली शॉटगन है शायद से, यहाँ पे इसके पास शॉटगन है और मेरे पास UMP है। मैं UMP कम चलाता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको डैमेज देने का ट्राई करता हूँ लॉन्ग रेंज में। एंड बंदे को लॉन्ग रेंज में मारने का ट्राई करते हैं, हम लोग शॉर्ट रेंज में नहीं खेल पाएंगे। UMP है मेरे पास और UMP मैंने कभी चलाई भी नहीं है। अब यहाँ पे मेरे पास आयरिस है और मैंने बंदे को डैमेज दिया, तो बंदा मेडिकेट करेगा। और यहाँ पे मैं देखो आयरिस का यूज करके इसको डैमेज देता हूँ एंड बंदे को डाउन कर देता हूँ। ओके, तो अपना सीजन 40 का यहाँ पे पहला मैच गुजिया निकल जाता है एंड इस वाले मैच के अंदर हमें टोटल 40 का प्लस मिला था। अब नेक्स्ट मैच में ब्लू जोन में लैंड करा था, यहाँ पे मेरे को एक बंदा मिल गया था जिसको मैंने हेडशॉट मार के खत्म कर दिया था। फिर आगे क्लू का यूज करते हुए बेंडिंग मशीन पे जा रहा था ताकि मुझे फ्री का सुपर मेडी मिल जाए। अब यहाँ पे देखो क्लू के यूज करने के बाद मैप में कोई बंदा नहीं दिखा रहा है, किसी भी बंदे का मार्क नहीं आया। यहाँ पे देखो मैं फ्री माइंड से लूट रहा था, लेकिन यार यहीं पे पता नहीं कहाँ से हेड पड़ जाता है। एंड ये देखो भाई इमोट दिखा रहा है भाई, ऐसे नूबड़े बंदे भाई क्या बोलूं मैं। अब इस मैच के अंदर मैं 24 का माइनस लगा था। नेक्स्ट मैच में मैं देखो यहाँ पे 200 टोकन लेने जा रहा था, तभी भाई यहाँ पे पता नहीं किसी का लैंडमाइन लगा था और यहाँ पे भी मैं मर जाता हूँ। यार न्यू सीजन में मेरे साथ क्या क्या हो रहा है भाई, मैं क्या बताऊँ आप सभी को। अभी वाले मैच में तो 5 का ही प्लस मिला था। अब नेक्स्ट मैच में आ जाता हूँ और यहाँ पे देखो एक बंदा इस तरफ था, फायर आ रहा था सामने वाले बंदे का, सो यहाँ पे मैं देख रहा था उसको। अब यहाँ पे देखो मैं उसको मारने के लिए आगे जा रहा था, तभी भाई पीछे से एक और फुट आता है बंदे का। सो यहाँ पे मैं इस बंदे को देखता हूँ, स्पॉट करता हूँ एंड देखो बॉडी वॉडी भर देता हूँ। और यहाँ पे देखो इस बंदे ने एक गलती कर ली, पैक कर लिया। अब मेरे पास आयरिस है, तो आयरिस की हेल्प से देखो बॉडी वॉडी भर के खत्म कर देता हूँ एंड भाई ये बंदा खत्म हो जाता है। अब देखो एक और बंदा इस तरफ था, इसको मैं यहाँ पे देखो सामने देखता हूँ और यहाँ पे देखो इसको डैमेज करता हूँ। अब सामने वाला बंदा पता नहीं कैसे बट यार इस घर के सामने आ जाता है मुझे मारने के लिए। अब सामने देखो ये बंदे को मैं देख रहा था और ये बंदा भाई लूटने लगता है। देखो यहाँ पे मैं इसको बॉडी बॉडी भर देता हूँ एंड इसी बंदे के खत्म होने के साथ मेरे 4 किल कंप्लीट हो जाते हैं। अब आगे देखो मैं यहाँ पे आया था और यहाँ पे मेरे को एक मॉन्स्टर दिख रहा था, सो यहाँ पे मैं मॉन्स्टर फोड़ रहा था। अब आगे फोड़ते फोड़ते मेरे साथ स्कैम होता है, पता नहीं कहाँ से भाई ये देखो यहाँ पे क्या होता है, गाड़ी से एक बंदा मेरे को उड़ा देता है। और भाई यहाँ पे देखो अब आगे आगे देखना यहाँ पे क्या होता है, मैं गाड़ी में बैठता हूँ बट यार ये गाड़ी वाला बंदा मेरे को गाड़ी में भी हेड मार देता है और यहाँ पे देखो मैं मर जाता हूँ। भाई क्या हो रहा है मेरे साथ इस वाले सीजन में, इतना अच्छा गेम जाता है। तो यहाँ पे देखो नूबड़ा बंदा था 33 लेवल का और इस बंदे ने मार दिया था। यार ये वाली मैच में मेरे को 30 का प्लस मिला था, डायमंड 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया था। अब अगले मैच में बड़ी ही मुश्किलों के साथ यहाँ पे टॉप 3 में जगह बनाई थी। यहाँ पे देखो 2 ही बंदे आए थे। अब यहाँ पे मैं घर से नीचे कूद रहा था, तभी बंदे का फायर आता है और यहाँ पे देखो सामने ही बंदा मिल जाता है। मेरे 2 किल थे, इस बंदे को मार के मेरे 3 किल हो जाते हैं, तो मैं सबसे पहले इसको डैमेज करता हूँ। एंड देखो अब आगे जोन में जाना था, तो मैं ग्रिपलिंग गन से देखो घर के ऊपर जाता हूँ। एंड देखो अब बंदे को समझ नहीं है कि मैं घर के ऊपर आ चुका हूँ, सो अब अपन सरप्राइज देंगे उस बंदे को। यहाँ पे देखो ग्रिपलिंग गन से मैं नीचे जाता हूँ एंड अब देखो बंदा पैक करे हुए है, तो मैं आयरिस का यूज़ करूँगा एंड बंदे को यहाँ पे देखो डैमेज करूँगा, फिर M10 से ख़त्म करने का ट्राई करेंगे। देखते हैं, यहाँ पे मैंने स्किल ब्लॉक कर दिया है इसकी और यहाँ पे डैमेज करा है। अब ये बंदा यहाँ पे निकलेगा तो इसको मार ही देंगे हम लोग। एक और बार डैमेज, 1-2 गोली का और बचा है और फाइनली हेडशॉट के साथ खत्म। अब आखिरी वाला बंदा है, हील करना है हम लोग को, तो यहाँ पे हील करते हैं सबसे पहले। आखिरी वाला बंदा है तो अच्छा खासा बंदा होगा ये वाला बंदा, सो इसको आराम से मारेंगे हम लोग, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। और भाई नेट फेंक रहा है, यहाँ पे पैक करते। अब यहाँ पे गाइस मुझे पहली बार पता चला कि मेरी नायरी, जो मैंने नायरी वाला कैरेक्टर लगाया था, वो पूरा अभी के टाइम पे वेस्ट हो चुकी है। अब देखो मेरे बॉल बार बार टूटे जा रहे हैं, मैं समझ गया था नायरी में कुछ छेड़ाछाड़ी हुई है उसकी एबिलिटी में। अब आखिरी वाला बंदा था ये मेरे ऊपर ब्लू ग्रे को फेंक के मेरे बॉल वेस्ट कर रहा था, सो मैंने भी इसके ऊपर नेट फेंकना स्टार्ट करा
अब देखो मेरा एक नेट जाएगा और इस बंदे को मैं खत्म करूंगा। एक नेट सीखा और भाई बंदा सोनिया बन गया। इसको एक गोली के साथ यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया। फाइनली गाइस सेकंड मैच बूया। अभी वाले मैच में हमें 40 का प्लस मिल गया था। अब अगले मैच में मेरे पास थी M60 और MP40। यहाँ पे देखो एक बंदा यहाँ पे इस घर के अंदर था, सो मैं इसको मारने के लिए आया था और यहाँ पे आता हूँ तो भाई बंदा लूट रहा था खुले माइंड से। यहाँ पे इसको डैमेज करा। अब आगे बंदा पता नहीं कहाँ छुप जाता है, सो मैं इसको मारने के लिए आगे जाता हूँ। एने देखो भाई कितने हैप्पी माइंड से मेडिकेट कर रहा था, इसको मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया था। अब आगे एक बंदा नीचे घर के आ गया था, सो इसको मैं मारने जाता हूँ और यहाँ पे बॉडी से इसको भी खत्म कर देता हूँ। इसको मारने के बाद मेरे पेन किल हो गए थे। अब ऊपर ना मैं यहाँ पे लैंडमाइन लगा रहा था लास्ट के ऊपर और लैंडमाइन लगा के यहाँ पे जा रहा था, तभी भाई यहाँ से एक बंदा आता है और इसको मैं बॉडी भरता हूँ। बंदे को समझ ही नहीं आता और इसको भी खत्म कर देता हूँ। अब ऐसे ही पीटते यहाँ पे लास्ट जोन में आ जाता हूँ और यहाँ पे देखो सिर्फ 4 बंदे बाकी हैं। एक बंदा मेरे सामने वाले घर में, तो मैं यहाँ पे देखो इसको लॉन्चर मारने का ट्राई करता हूँ। ये जो न्यू लॉन्चर गन है ये मुझे काफी ज्यादा बेस्ट लग रही है। आप लोग बताओ गाइस आपको कैसी लग रही है लॉन्चर वाली गन। अब सामने वाले बंदे को काफी ज्यादा परेशान करने के बाद यहाँ पे मैं एक और लॉन्चर गन मारता हूँ और बंदा भाई भाग रहा था, इसको मैं यहाँ पे देखो डाउन कर देता हूँ। एंड भाई आगे जाता हूँ और ये ओरिजिनल रिवाइव हो रहा था, इसको भी फिनिश कर देता हूँ। अब आखिरी में फिर से 3 बंदे अलाइव थे, एक बंदा सामने था। मैंने यहाँ पे क्या किया देखो, लॉन्चर गन मारी। अब जैसे ही इसके बॉल पे आग लगेगी इसका बॉल टूटना चालू हो जाएगा। यहाँ पे मैं देखो M60 से इसका बॉल टूट रहा था और भाई लास्ट में बंदे के पास बॉल ही नहीं बचते और इसको मैं डाउन कर देता हूँ। लेकिन आखिरी वाला बंदा मेरा किल चोरी कर लेता है। अब आखिरी वाला बंदा जो अलाइव था मैं पहले उसको नेट से डराता हूँ, इस कार से बंदा खुद ही खुले में आ जाता है और भाई मेरे खुले में आ रहा था। इसको मैं डैमेज करता हूँ, हेडशॉट मारता हूँ एंड भाई इस तरफ से आता है और यहाँ पे देखो मैं हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। तो फाइनली अपना सेकंड मैच बूया। ये वाले मैच के अंदर हमें टोटल 46 के प्लस के साथ 2 की स्ट्रिक भी बन जाती है। अब ये था अपना आखिरी मैच, इसमें मेरा हीरो को लगने वाला था। सामने एक बंदा, मेरा भी 0 किल हुआ था, तो सामने वाले बंदे को यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। 1 किल हो जाता है। अब आखिरकार एक और बंदा मिलता है जो कि गाड़ी से भाग रहा था, सो इसकी गाड़ी को तो तोड़ देता हूँ। लेकिन भाई यार यहाँ पे बूकोंग बन के भाग जाता है झाड़ी बन के। अब इसकी मुझे मूवी बनवानी थी इसीलिए मैं इसको मारने के लिए आगे जाता हूँ। यार ये बंदा झाड़ी बन के भागे जा रहा था, तो सबसे पहले मुझे इसकी झाड़ी तोड़नी थी और यहाँ पे मैं इसकी झाड़ी तोड़ देता हूँ। अब आगे से मैं घूम के इधर से जाता हूँ यार, लेकिन इसके पास ना यहाँ पे देखो ट्रॉगन थी और भाई ट्रॉगन से मुझे सच्ची बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा डर लगता है, अभी भी डर लगता है। और यहाँ पे मैं गाड़ी उठा लेता हूँ अपनी ट्रॉगन के डर से। भाई गाड़ी के यहाँ से भाग जाता हूँ इस बंदे के डर से। भाई ट्रॉगन वाले बंदे से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैं यहाँ से भाग गया था। अब आखिरकार ये बंदा ना बहुत ज़्यादा नूबड़ा बंदा था। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आप लोग यहाँ पे देखो, मैं बताता हूँ बिग प्रूफ। सामने देखो मैंने इसको डैमेज करना स्टार्ट किया और भाई बंदा डर के मारे मेरे को लॉन्चर फेंकने का ट्रॉगन का, सो मैंने भी यहाँ पे लॉन्चर फेंक दिया, एक फेंका और भाई एक और फेंका, तो भाई बंदा उसी से फिनिश हो जाता है, मेडिकेट ही नहीं थे इसके पास। और भाई यहाँ पे ये बंदा खत्म हुआ, एक बंदा इस तरफ से आ रहा था इसको भी मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया था। अब आगे ही मोस्ट फाइट होनी थी और यहाँ पे देखो एक बंदा तो भाई घर के ऊपर चढ़ के बहुत ज्यादा कैंपिंग कर रहा था, सामने भाई घर के ऊपर चढ़ा हुआ है, सो यहाँ पे मैं बच बचाते यहाँ पे निकल के आता हूँ और भाई ऊपर चढ़ा हुआ है इस घर के टोनंग वे मतलब के ऊपर। और यहाँ पे देखो एक बंदा भाई आगे वाला लॉन्चर फेंक रहा है जो कि मैं बता रहा था अभी सबसे बेस्ट हो चुका है लॉन्चर, जो नए वाला गन आया है। और यहाँ पे मेरे बहुत बेस्ट हो रहे थे, देखो आगे जल रही है, कैसी आगे जलती है भाई। अब आगे मैं यहाँ पे निकल के आता हूँ और यहाँ पे देखो एक बंदा मेरे सामने आता है राइट में, सो यहाँ पे मैं नेट लेता हूँ और भाई नेट कुक करके ना इसके ऊपर फेंकने वाला था, सो सबसे पहले नेट फेंकता हूँ। यार इसको डैमेज भी आता है लेकिन भाई बंदा इस तरफ से आता है और यहाँ पे देखना मेरे साथ स्कैम क्या होता है। भाई बंदे को यहाँ पे पूरा MP40 का 28 गोली मारता हूँ लेकिन भाई बंदा मरता ही नहीं है। यार यहाँ पे बैक करने के बाद जब मैंने देखा तो भाई इसकी HP देखो आप लोग, 340 HP का था यार बंदा। यार ये HP वाला कैरेक्टर लेके रखा था, लेकिन कोई बात नहीं गाइस। यहाँ पे देखो मेरा हीरो कंप्लीट हो चुका है। ये वाली मैच में मेरे को थोड़ा सा ही प्लस चाहिए था। फाइनली गाइस 2-3 घंटे देने के बाद हमारा हीरो कंप्लीट हो चुका है। एंड फाइनली दोस्तों इस आईडी के अंदर में टोटल 19 बार यहाँ पे हीरो कंप्लीट करा है, 19 बार मतलब हमने हीरो लगाया इस आईडी के अंदर। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग ट्राई करेंगे कम से कम हीरो का 3 स्टार कंप्लीट करने का या फिर 5 स्टार, और फिर ग्रैंड मास्टर का परसों वीडियो आएगा तो यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे देख सकते हो हमारा 3200 स्कोर हो चुका है एंड हम लोग MP40 और M10 में यहाँ पे टॉप बन करने का भी ट्राई करेंगे, और हम लोग वही गन चलाते हैं ज़्यादातर शॉर्ट रेंज में, तो उसमें भी हम लोग टॉप बन करने का ट्राई करेंगे एंड पूरा अपना वेस्ट देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।